हाय, मेरा नाम है मिस्टर इंडिया और मैं एक सुपर हीरो हूँ। आज मैं अपनी कहानी का सबसे पहला किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ से सबकी शुरुआत हुई। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाले किस्से मिस ना हो जाएं। ये मेरी दुनिया है। ये आपकी दुनिया की तरह तो बिल्कुल नहीं चमक रही होगी, क्योंकि मेरी दुनिया में रामायण जैसा कुछ नहीं हुआ, पर कुछ ऐसा जरूर हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और ब्रह्मांड में अपनी अलग ही पहचान बना ली। हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गए कि हमने अपने ही मून को अपना दूसरा घर बना लिया, पर ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। मून अनस्टेबल हो गया और ख़त्म कर दिया गया। मेरी दुनिया का मून पिछले 5 साल पहले ख़त्म हो गया था और धरती को स्टेबल करने के लिए ये सैटेलाइट्स लगा दी गई। मुझे यकीन है हमारा रहन सहन आपके रहन सहन से काफ़ी मिलता होगा। मेरे साथ सिर्फ इतना ही अजीब नहीं हुआ कि मैं इस प्लैनेट पे पैदा हुआ, बल्कि कुछ ऐसा भी जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? हमारे लोगों की जान खतरे में थी मिलान। करोड़ों को बचाने के लिए 1000-2000 मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मिलान, ये इनविजिबल सूट कोई वेपन नहीं है जिससे तुम किसी भी सैटेलाइट में घुस जाओ और उसे खत्म कर दो। इन लोगों ने हमारे प्लेनेट के साथ क्या किया तुम्हें पता है? वो महज एक एक्सीडेंट था। एक एक्सीडेंट ने हमारी दुनिया खत्म कर दी जाल। इन लोगों ने मून पर अपना दूसरा घर बनाने की कोशिश की और जब मून ये सह नहीं पाया तो उस पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दी। वो नहीं जानते थे मिलान कि हमारा प्लेनेट अर्थ और मून के बीच में है। इसमें उनकी क्या गलती? उनकी क्या गलती? इन्होंने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है। मैंने अपने लोगों को खोया है। हमने अपने लोगों को खोया है। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये इन्हें महसूस होना चाहिए। अगर तुम भी ऐसा सोचोगे तो उनमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा मिलान? मुझे वो सूट चाहिए बस। आई एम सॉरी मिलान, मैं एक और अपना नहीं खोना चाहता। मैं भी। मैं वो सूट फिर से बनाऊंगा जाल, तुम्हारे खून से बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं वो तुम्हें याद रहे। ये कौन सी फिल्म है? ये द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स। ये कैसा नाम है? वहाँ ऐसी फिल्में होती हैं। वहाँ कहाँ? देखते ना फिल्म। ओह फक, पाल पाल बच गए।
अरे चुलबुल तेरे को कितनी बार बोला ऐसे मत किया कर, तूने पूरी डेट खराब कर दी यार। बेटा मैं चुलबुल की माँ बोल रही हूँ, चुलबुल अभी वॉशरूम गया है, वो आता है तो मैं बात कराती हूँ। जीता था जिसके लिए, हेलो, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी। इस गाने को बनाए अपनी क्वालिटी दबाए एक। क्या है यार? ऐसा कुछ नहीं यार, जैसे तुम सोच रही हो। तो कैसा है, तुम मुझसे चीजें छुपाते हो आयुष? ऐसी बात नहीं है यार, इज्जत तुम्हें जानना है। ऑफ कोर्स। तो तुम ये छुपा रहे थे मुझसे? कितना कूल है। तो तुम्हें पता है कि मुझे कॉस्प्ले पसंद है? हाँ। पहनो इसे। क्या अभी? हाँ पलटो। आयुष यू फाइन? हाँ मैं ठीक हूँ। चारू यू लुक हॉट। रियली? ये थोड़ा सा ढीला है पर मैं बहुत ज्यादा मेरे फील कर रहा हूं। चारू चारू क्या हो गया? चारू तुम मेरे पास तुम कब चुप गया? ये क्या हो गया? ये मैंने नहीं किया। चारू तुम मेरे पास मत आओ प्लीज, मेरे पास मत आओ। एक मेरे पास मत आओ। ये काफी ठंडा हो गया है। तुम्हें मजा आ रहा है? नहीं नहीं। हाँ तुमको मजा आ रहा है, वापस कैसे दिखोगे? इस बारे में सोचा कुछ? वापस कैसे देखो? एक सेकंड चारू, मुझे रोशनी दिखाई दे रही है। कैसी रोशनी? ब्राइट, ये चमक रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपने पास बुला रही है। वापस आओ आयुष, मुझे डर लग रहा है। आयुष आयुष ये मैं कहाँ गया? सीधे चले आओ। कौन है, कौन है? ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम मुझे सच में दिखाई नहीं दे रहे हो? ओह एक सेकंड। तुम कौन हो? माफी चाहता हूं तुम्हें ऐसे बुलाने के लिए, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम मुझे जिन रास्तों से यहां लेके आया ना, मुझे यकीन उससे बेहतर रास्ते भी हो सकते थे। I'm sorry, वो जल्दबाजी में हो गया। खैर मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए बड़ा अजीब है। अजीब है? वाहियात है भाई, मैं अपनी पहली डेट पे चारू को किस करने वाला था, तुमने मुझे इस वाहियात से कॉस्ट्यूम में यहाँ बुला लिया। आयुष भूल कर भी इसे फिर से वाहियात मत कहना, ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारे लोगों की आखिरी उम्मीद है। I'm sorry. जो तुम्हारे शरीर पर है ये कोई आम कॉस्ट्यूम नहीं, बल्कि प्लैनेट बी से मिले आखिरी इनविजिबल सेल्स की प्रोडक्शन है जिसे बाहर के लोग ढूंढ रहे हैं। इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो आयुष, न कभी थे न कभी होगे। धरती और चांद के बीच में एक इनविजिबल प्लैनेट था
जिसका नाम था प्लैनेट बी। 5 साल पहले धरती से एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हुआ और तुम्हारे मून के साथ हमारा प्लैनेट भी खत्म हो गया। हमने पूरी कोशिश की और हमने काफी लोगों को बचा लिया, लेकिन फिर मेरे छोटे भाई ने मुझसे बगावत की। बगावत? वो बदला लेना चाहता है। वो इन इनविजिबल सेल्स की मदद से तुम्हारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ताकि धरती भी खत्म हो जाए और वो धरती के टूटे हुए टुकड़ों को प्लैनेट बी बना सके। प्लैनेट बी? इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। फिर क्या? 2 साल बाद मेरे छोटे भाई मिलान ने मुझे ढूंढ लिया और इनविजिबल सेल्स उसे ना देने पर उसने मुझे खत्म कर दिया। Whoa! Are you dead? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। मिलान इन सेल्स को ढूंढता हुआ तुम्हारे पास जरूर आएगा और तुम्हें उसे रोकना होगा। क्या? ये कोई फिल्म नहीं चल रही कि सूट मेरे को दे दिया और मेरे को लड़ने को कह रहे हो? भाई साहब, मुझे मेरी डेट एंजॉय करने दो यार। और 1 सेकंड, ये सूट मुझे ही क्यों मिला? मरते वक्त मैंने इन सेल्स को कीवर्ड से प्रोटेक्ट किया था। 10 मील की रेंज में कोई भी उस कीवर्ड को इस्तेमाल करता तो ये उस तक पहुंच जाता और ये तुम तक आया। कीवर्ड क्या था? फक। क्या? रात को ये फक तो काफी लोग बोल सकते हैं। हाँ, तभी मैंने फक बोला था। रात को शहर के अंदर कई लोग फक बोल रहे थे, लेकिन इसने तुम्हें चुना। क्यों? क्योंकि ये सेल्स जानते हैं कि खुद को कैसे सेफ रखना है, और इन सेल्स को तुमसे बेहतर कोई नहीं रख सकता आयुष। ये सब मुझसे नहीं होगा, इतने बड़े काम के लिए मैं नहीं बनाऊँ यार। प्लीज इस सूट को मुझसे हटाओ, प्लीज। दुनिया ही नहीं होगी तो किसके साथ डेट पर जाओगे? खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपने लोगों के लिए सोचो। तुम इस दुनिया को बचा सकते हो, तुम अपने लोगों को बचा सकते हो। मेरे लोग तुम पर फक्र करेंगे, वो तुम्हारे एहसान मंद होंगे, वो सब तुम्हें देख रहे हैं आयुष। मुझे करना क्या होगा? वेट। किसका? मिलान का। मिलान? ए सुनो, कहां गए? सुनो, जा रही हो? तुम वापस आ गए आयुष? उसे छू लो, अब उसे करंट नहीं लगेगा। अब तुम्हें करंट नहीं लगेगा? क्यों? Because I love you. Hi guys! अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। फेसबुक पे हमारा पेज है DKFM's ऑफिशियल के नाम से, फटाफट जाके लाइक कर दो। और इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल DKFM's, हम लोग वहाँ बिहाइंड द सीन्स वगैरह पोस्ट करते रहते हो, फटाफट जाओ, मिस मत करो यार कोई अपडेट। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि जो भी वीडियो आई हमारे तो वो आप तक जरूर पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, वी लव यू।